नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी तस्वीर की जो 1985 से लेकर अभी तक बहुत चर्चा में रही है और आगे भी चर्चा में रहने वाली है। दोस्तों, ये तस्वीर का नाम है अफगान गर्ल और इस तस्वीर को और भी अलग अलग नाम मिले हैं, जैसे कि अफगान मोनालिसा, फोटो ऑफ मोनालिसा और कई सारे नाम इस तस्वीर को मिले। लेकिन जितनी जानकारी मुझे मालूम है वो सारी की सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, तस्वीर में दिखने वाली ये लड़की जो है उनका नाम है शरबत गुला और ये तस्वीर जो है वो स्टीव मैककरी ने खींची थी। इस तस्वीर की कुछ कहानी इस तरह से कि जब सोवियत और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था दोस्तों, तब ये शरबत नाम की जो लड़की है, शरबत गुला नाम की जो लड़की है दोस्तों, वो पाकिस्तान में एज अ रेफ्यूजी आकर रह रही थी और स्टीव मैककरी जो है वो उन्हें उन दौरान पाकिस्तान में अपना फोटो जर्नलिज्म का काम का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए गए थे। दोस्तों, उस वक्त में जब स्टीव मैककरी सर पाकिस्तान में थे, तब उन्होंने एक स्कूल के पास बहुत शोर शोर बखोर का आवाज सुना। फिर उन्होंने देखा कि अंदर कुछ और भी टेंट लगे हुए, तो उन्होंने स्कूल की अथॉरिटी से बात की, वहां के टीचर से बात की और स्कूल के अंदर जाने की परमिशन ली। स्कूल के अंदर जाकर उन्होंने बहुत सारे अफगान लड़कों को देखा, लेकिन एक लड़की की आंखों ने उन्हें कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट किया। जिस लड़की की आंखें कुछ हरी, कुछ नीली तो कुछ भूरी थी दोस्तों, ये लड़की की आंखें को उन्होंने इतना अट्रैक्ट किया कि वो अपना निकोन का FM2 जो कैमरा था उन्होंने उनकी बैग में से तुरंत निकाला। फिर उस कैमरे की मदद से उन्होंने इस लड़की की तस्वीर खींची। पहली तस्वीर जब उन्होंने दोस्तों खींची, तब उन्होंने कुछ उतना अट्रैक्ट नहीं लगा, उनको कुछ सेटिस्फेक्शन जैसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने और दो तीन तस्वीरें खींची, लेकिन उसमें भी उतना मजा नहीं आया उनको। उसके बाद उन्होंने एक लास्ट तस्वीर खींची। ये लास्ट वाली तस्वीर आप यहाँ डिस्प्ले में देख पाओगे दोस्तों। ये तस्वीर खींचने के बाद तुरंत ही लड़की भागकर निकल गई और ना ही उनका नाम भी पूछ पाया स्टीव मैककरी सर। इसके बाद स्टीव मैककरी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए, उन्हें कुछ इस तस्वीर के बारे में याद भी नहीं रहा। उनके बाद जब वो वापस अपने घर लौटे US में, तब उन्होंने ये फोटो को डेवलप किया और इसकी प्रिंट वगैरह सब उनके टेबल पर पड़ी थी और तभी नेशनल जियोग्राफिक के एडिटर वहां आते हैं और उनकी टेबल पर रखी हुई ये तस्वीर देखते हैं। तो दोस्तों, जब ये तस्वीर वो देखते हैं, तभी उनकी अंदर से आवाज आता है कि ये फोटो तो बहुत कुछ कहती है, इसे तो कवर पेज पर होना चाहिए। तब स्टीव मैककरी सर एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आर यू श्योर? तब एडिटर बोलते हैं कि जी बिल्कुल, मैं एकदम श्योर हूँ। फिर वो तस्वीर जब क्लिक की गई थी तो 1984 में दोस्तों ये तस्वीर क्लिक हुई थी और 1985 में फिर इस तस्वीर को नेशनल जियोग्राफी के कवर पर रखा गया था। और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग बातें हुई इस तस्वीर के बारे में, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लड़की है वो अपना गुस्सा बयां कर रही है क्योंकि किसी भी अफगानी गल या फिर किसी भी मुसलमान को उस वक्त गए बुरखा, बिना बुरखे को किसी भी मर्द के सामने देखा नहीं जा सकता था, लेकिन तब इन्होंने बुरखा नहीं पहना था और स्टीव मैककरी सर जो उनकी तस्वीरें ले रहे थे, तो उन्होंने उसके सामने एक गुस्से की नजर से देखा था, ऐसा भी कहा जाता है। नेगेटिव बातें ऐसी भी सुनने में आई है, लेकिन स्टीव मैककरी सर का ऐसा कहना है कि ये तस्वीर जो है पूरे अफगानिस्तान का हालत बताती है कि कैसे वहां के लड़कियों के साथ क्या हाल है उनकी परिस्थितियों का। इस तस्वीर के बाद अफगानिस्तान जो है काफी हाईलाइट हुआ, बहुत सारे पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर पड़ी और नेशनल जियोग्राफी ने भी बहुत सारे फंड राइज किए और अफगानिस्तान को मदद की। तो दोस्तों, ये थी इस अफगान गर्ल की तस्वीर की कहानी। अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी बताइए कि वीडियो अच्छा नहीं है, तो क्या है कि हमें थोड़ा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।